इग्नोर कर सकते हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया मैच की टाइमिंग प्राइम टाइम के अंदर, मैच का वेन्यू, क्योंकि बजाहिर तो इंडिया का यहाँ खेलना नहीं बनता था, लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप मन नहीं मानते हो ना मानो, ऐसे झंडे साहब को मानना चाहिए। इंडिया तो इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले फाइनल खेल रहा था। तुम्हारे ख्वाब अधूरे हैं बेटा। तुम लोग कभी अफगानिस्तान को हराने के लिए सोचते हो, पहले तो अपने बच्चों का गला दबा दो जिनके लिए तुमने तालियां बजाई है 4 साल। ये बता दूं मैं तुम्हें, मैं इस भाई को झूठा साबित कर लूं, इसको मैं लाहौर तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन माने ये वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत चुका है, दुनिया मान चुकी है। अगर इंडिया हारा तो दुनिया रोएगी। क्रिकेट जाए चूल्हे में, आपकी तवज्जो इंडियन टीम पे, मैं आपको मुंह पे लाइव कह रहा हूं। सुबह से एक माहौल इस बात पे गरम था। अबे ये कैसे हो सकता है, आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन। क्या पाकिस्तान का मैच होता है 70%? आज इंडिया ने सेमीफाइनल खेला, दुनिया की सबसे बड़ी टीम ने सेमीफाइनल खेला। उस सेमीफाइनल में हिंदुस्तान की टीम के मैच देखने वाले कितने फैन थे? आधा स्टेडियम खाली था। पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलते हैं, आईसीसी हर मर्तबा पाकिस्तान के साथ इनका मैच रखता है। सच है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों रखा जाता है, क्यों फिक्स किया जाता है? पाकिस्तान के साथ मैच क्यों रखा जाता है? बगैर खेले ऐसा नहीं, आईसीसी फेवर कर रहा है। कभी चिप लगी हुई बॉल है, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जरा वो रिवर्स स्विंग का मसला है। क्या घंटे में बात की सारी चीजें, पूरा मैच हुआ। ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम ग्राउंड के अंदर अब उसने उधेड़ कर रख दिया है। इंडियन टीम का टेरर है, खौफ है, बदमाशी है। आपको जो असल बात बता रहा हूँ, वो जो रोना धोना लोगों ने लगाया हुआ था ना कि आईसीसी की ये ऑब्लिगेशंस क्या थी, अजीब स्केड्यूल रखा है, यूं है यूं है। अबे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देख ही लिया, सेमीफाइनल में भारत की जीत पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान ने अब आईसीसी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि आईसीसी भारत का फेवर करता है, इसीलिए आज भारत जीता है। जिसे सुन एक पाक मीडिया के जर्नलिस्ट ने ही उस पाकिस्तानी को लताड़ लगा दिया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम ने जीत का परचम लहराते हुए इंग्लैंड को मात दे दी, मगर टीम इंडिया की इस जीत से पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। कल गुयाना में भारतीय वर्सेज इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार पारी खेलते हुए इंग्लैंड को 68 रनों से बुरी तरह शिकस्त दे दी। भारत की इस जीत पर जहां देश में जश्न का माहौल था, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को ये जीत रस नहीं आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया भारतीय टीम की आलोचना कर रही है और कह रही है कि इस जीत की वजह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी है। इसी बीच दो पाकिस्तानी आपस में लड़ने लगे। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया मैच की टाइमिंग प्राइम टाइम के अंदर, मैच का वेन्यू, क्योंकि बजाहिर तो इंडिया का यहाँ खेलना नहीं बनता था ना। ये तो ऑलरेडी तय किया था कि इंडिया को यहाँ पे मैच खिलाया जाएगा। रिंकू सिंह कितने खुश नजर आ रहे हैं। पहुंचे तो ये था पहले से तय, और दो माह पहले से तय था। माइकल वान पहले क्यों नहीं बोले? दो माह पहले बोलना चाहिए था। नहीं, दो माह पहले कैसे बोलते सनाउल्ला? देखो यार, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया है। मैच वो जीते हैं, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन जिस स्पिन कंडीशन के अंदर इंग्लैंड को आज ये मैच खेलना पड़ा है, क्या ये सेंट लुशिया के अंदर या जो दूसरा सेमीफाइनल जिस वेन्यू पे हुआ है, क्या ट्रिनिडाड के अंदर, क्या वहां पे यही कंडीशन थी? लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप मन नहीं मानते हो ना मानो, ऐसे झंडे साहब को मानना चाहिए। नहीं, कैसे, किस तरह से फेवर है? आप मुझे एक मिनट में बात, मेरी बात। इस टूर्नामेंट के अंदर 20 टीमें खेल रही थी, 20 टीमें, किसी एक टीम का ये तय था वर्ल्ड कप से पहले कि उन्होंने फाइनल किस वेन्यू पे खेलना है, किस बुनियाद के ऊपर? सिर्फ इंडिया का तय था। क्यों क्यों तय था? लेकिन क्यों वजह नहीं, ये ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि सुबह के टाइम तो क्यों, सिर्फ एक इंडियन टीम का क्यों बोला गया है? नहीं, आप उस चीज के ऊपर कह, लेकिन इस पर टीम इंडिया ने भी इतराज उठाया कि आप हमें सारे मैच मॉर्निंग में क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि T20 वुमन। मैं पहले वेन्यू पे आ रहा हूँ, मॉर्निंग में बाद में आऊंगा, पहले मॉर्निंग का वेन्यू का बता दो। नहीं, अगर वेन्यू की बात कर रहे हो, नहीं आप क्या समझ यार, आप जर्नलिस्ट हो, आपको सच बोलना चाहिए मेरा भाई। कौन से वेन्यू पे खेलता तो इंडिया हार जाता? नहीं, जो आईसीसी के स्केड्यूल के अंदर बाकी 20 टीमों को इक्वली ट्रीट किया गया, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता, नहीं किया गया? आप ये बात मानो, आप नहीं मान रहे हो। आपको क्या लग रहा है? अब मेरी बात सुनो, बाकी मेरी बात सुनो। ये गयाना के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप के शेड्यूल के दौरान ये बात क्यों की गई कि इंडिया गयाना में खेलेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो कौन बोला उस वक्त? पूरी दुनिया बोल रही है। माइकल वॉन आज बोल रहा है, उसने तो बोला नहीं है। माइकल वॉन बोल रहा है, उसको लगा कि उसकी टीम जो है, उसकी टीम बगैर खेले ना बाहर हो जाए, उसको ये लग रहा था। मगर यहां पूरे 20 ओवर का मैच हुआ, आपको और मुझे भी ये लग रहा था, बल्कि हम तो ये बैठे देख रहे थे कि सनाब कोई बोले या ना बोले, मेरा सवाल ये है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 20 टीमें थीं, किसी एक टीम के बारे में आईसीसी ने ये बोला कि आपका वेन्यू जो है वो ये होगा? बोला गया कि नहीं बोला गया? ऑस्ट्रेलिया में 2022 का वर्ल्ड कप हुआ, वहां तो कुछ तय नहीं था। और एक और चीज, पिछले साल जो इंडिया के अंदर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ है, पहले यह बोल दिया गया था कि इंडियन टीम जो है वो मुंबई के अंदर सेमीफाइनल खेलेगी।
होगी। यहां पर ये पहले बोल दिया गया था ना कि इंडिया गयाना में खेलेगा, जीते वो अपनी मेहनत से। मैं उनकी फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि किसने पहले बोला। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतराज उठाया, क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इतराज उठाया, क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इतराज उठाया, सारे चुप क्यों बैठे? अगर ये गलत बात है, माइकल वॉन अभी कह रहा है स्पिन विकेट के ऊपर उनको फेवर दी गई है। देखो नहीं, स्पिन विकेट में क्या फेवर दी गई है, पहले बैटिंग उनको दे रहे हैं। ये इंडिया ने मैच यहीं पे खेलना था सेमीफाइनल, लेकिन उसके लिए इंडिया को अपने ग्रुप में कोई एक मैच भी नहीं हारना था। अगर वो हार जाता तो बारिश होती और मैच ना होता तो सबसे पहले इंडिया ने बाहर होना था। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वो बात अच्छा एक और, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है 70%। आज इंडिया ने सेमीफाइनल खेला, दुनिया की सबसे बड़ी टीम ने सेमीफाइनल खेला। उस सेमीफाइनल में हिंदुस्तान की टीम के मैच देखने वाले कितने फैन थे? आधा स्टेडियम खाली था। पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलते हैं, आईसीसी हर मर्तबा पाकिस्तान के साथ इनका मैच रखता है। सच है कि पाकिस्तान के साथ मैच होता है, क्यों रखा जाता है, क्यों फिक्स किया जाता है? ब्राजील और अर्जेंटाइन की लगती है ना आपस में, क्या ब्राजील और अर्जेंटाइन का हर वर्ल्ड कप के अंदर पहले राउंड के अंदर मैच रखा जाता है? आप एक बोर्ड को, आप एक टीम को आप फेवर करते चले आ रहे हो, उसका फिर आपको एडवांटेज मिलता है? और हिंदुस्तान को आज के मैच में एडवांटेज था, जो मेहनत से जीती है उसको एडवांटेज किस टीम का हुआ? उनको वेन्यू का एडवांटेज है, उनको टाइमिंग का एडवांटेज है। अच्छा मेरी बात, 2007 से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं। इस वर्ल्ड कप के अलावा मुझे कोई एक वर्ल्ड कप बता दे जिसके अंदर डे नाइट मैचेस नहीं हुए सेमीफाइनल्स के, हमेशा सेमीफाइनल्स के डे नाइट मैच होते हैं। जो वर्ल्ड कप यहां पे वेस्ट इंडीज में हुआ था वो भी सारे डे में मैच हुए थे। तो जो पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया से वो मैच डे में खेला था हमने। सना शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा, ये दोनों टीमें रोहित शर्मा की है। और भाईजान नसीब है, इतना नसीब चला विराट कोहली का, ये बात बाद में रह जाएगी। जो छक्का उसने टॉपली को मारा था, सुबह से एक माहौल इस बात पे गरम था। अबे ये कैसे हो सकता है? आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। इस बार पे बात अब चलना था भैया, खेल के चलेगी, खेल बगैर खेले, बगैर खेले ऐसा नहीं। आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बॉल है, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जरा वो रिवर्स स्विंग का मसला है। क्या घंटे में मार दी सारी चीजें? पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया। ले भाई तू टॉस भी जीत का बटला जा, तेरी ऐसी की तैसी जा रहा वो हम भी हूं ही। आवाज से निकल लेगी बकरी का, मैं तो बैटिंग करना चाहता था। बकरी बटलर था आज, बिल्कुल बकरी कर दिया था उसको। अच्छा को तू रिवर्स स्वीप मार रहा है भाई। अबे भैया मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपके सामने अपोजिशन खड़ी होती है ना, जिसका कप्तान रोहित शर्मा हो, जिसके बल्ले पे पुराना खून लगा हुआ है, ताजा ताजा ऑस्ट्रेलिया को मार के दुनिया दंग है कि ये कैसे मार लेता है भैया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी उसी के रंग है रोहित शर्मा। मेक श्योर इंडिया विल विन, जब जब ये ऊपर से चलेगा बत्ती बना देगा किसी भी अपोजिशन के। आज आपको जो असल बात बता रहा हूँ, वो जो रोना धोना लोगों ने लगाया हुआ था ना कि आईसीसी की ये ऑब्लिगेशंस क्या थी, अजीब स्केड्यूल रखा है, यूं है यूं है। अबे कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, डॉक्यूमेंट की तरफ कोई जाता नहीं है साला। लालची मैं फिर ये बता रहा हूँ कि इंडियन टीम वाहिद टीम थी, और इसके दो लोग वाहिद थे जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका पहुंचते ही इस बात को उछाला है कि भैया जो क्रिकेटिंग फैसिलिटीज है वो कम है। इन लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर की थी अपनी कंप्लेंट। उसके अलावा कोई भी क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश वहां सीरीज हारा हुआ था अमेरिका में, उसके मुंह से कुछ निकला पहुंच गया, किसी ने कुछ नहीं किया। रोहित शर्मा ने कंप्लेन की, राहुल द्रविड़ ने करी, उसके बावजूद सारे आरआर के बावजूद आड़ मोड़ करके गयाना में आज कोई लौंडा उसका घूमता वाला नजर नहीं आया। भले अक्षर हो, भले कुलदीप हो, भले जडेजा हो, भले कोई भी हो, बाहर निकल नासिर हुसैन। नहीं तेरी ऐसी की तैसी, अब तेरे मुंह में क्या लड्डू, तेरी कवर ड्राइव में सारी निकालूं मैं आज। अब तूने मुंह में किसका, बटलर का मुंह में लिया? कह रहा है इट्स अ फनी गेम। नहीं ये माइकल वॉन भी ट्वीटें कर रहा था ऐसे जैसे तेरी टीम जीत गया इधर पागल बैठे हुए। भैया एक बात बताऊं, जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो क्रिकेटिंग नेशन है उसी में दम होता है, उसी में तप्पड़ होता है, उसी में करेज होती है कि वो सवाल उठाए। भाई जब बेस्ट फैसिलिटीज के साथ रोहित के लड़के खेलते हैं, चाहे आईपीएल हो चाहे रांची हो, तो उसने कह दिया क्या भाई ये क्या यूएसए के झटियाल मैदानों में हमें खिला रहे हो जब फैसिलिटीज नहीं है। और हुआ लोगों में दम, लोग यूएसए से हार गए। अबे देखो लेकिन आवाजें नहीं निकली उनकी। नहीं नहीं इनमें से कोई घूमने नहीं गया था, इनमें से कोई दोस्ती यारी नहीं निभा रहा था, $25 लेके मिल नहीं रहा था, नहीं दी थी।
रोहित का लौंडा $25 में अपना ईमान अपना जमीन नहीं बेच रहा था वहां पे खड़ा हुआ। तू भी बाहर निकल। अबे निकला तुम्हारी इसके पीछे भी किसी को नहीं छुपने दूंगा। आज ये सारे अपने तौलिए बांध के साइड नेपाल के ना युगांडा के ना नामीबिया के ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता मैनेज करता है बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम ग्राउंड के अंदर अब उसने उधेड़ कर रख दिया है। इंडियन टीम का टेरर है खौफ है बदमाशी है जो कि आज नजर आई है। इंग्लैंड टीम को लिटरली उन्होंने खा पीकर उधेड़ कर फूंक कर बाहर फेंके। जिस तरह सिगरेट फूंकते हैं उस तरह से उन्होंने इंग्लैंड की सारी बैटिंग लाइन को फूंका है। जिनादा निकालकर गोरों का रखा है और गोरे खुद जाकर यानी कि यकीन माने बाथरूम में टकरे मारेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। सेमीफाइनल बहुत बड़ी गेम थी वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी गेम थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा तगड़ा मैच होगा लेकिन इंडिया ने बिल्कुल चारों शाने चित यानी कोई रास्ता नहीं दिया इंग्लैंड को कोई रास्ता 1% भी गोरे को आंख उठाने का मौका नहीं दिया और ये फाइनल के अंदर चली गई है। फाइनल में कैसे साउथ अफ्रीका इन्हें हराएगा लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी टीम है बहुत तगड़ी टीम है और ये इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी टीम क्यों है ये मॉडर्न डे की अब की ऑस्ट्रेलिया क्यों बन गई है या फिर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंडिया की दहशत है उसकी वजह है इंडिया का कैप्टन उसकी वजह है हिटमैन उसकी वजह है रोहित शर्मा जिसे लोग थैला भी कहते हैं। रोहित शर्मा जिसका मजाक उड़ाते हैं लोग कि इस बंदे का पेट निकला हुआ है इसकी जो फिजिक है ये एक एथलीट की नहीं है लेकिन वो बंदा आज दुनिया क्रिकेट का एक खौफ है एक तूफान है एक सैलाब है एक ऐसी दीवार बन गई है कि ये तबाही निकालता है और ये क्रिकेट की इतनी बड़ी बला है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद ही किसी ने क्रिकेट की क्रिकेट जो देखने वाले हैं या जो फॉलो करने वाले शायद ही उन्होंने सोचा हो कि बॉल के साथ या बॉलर